दोस्तों आपने मेरे इस चैनल पर क्लाउड किचन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई क्लाउड किचन देखा है? आपको लगता होगा क्लाउड किचन कहीं एक छोटे से कमरे में एक नॉर्मल सी किचन होती है, लोग घर से भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्लाउड किचन भी पूरा एक बिजनेस है, पूरा एक एम्पायर होता है। जिस तरीके से नॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं उसी तरीके से क्लाउड किचन में भी पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं, शेफ होते हैं, और प्रोसेस भी वही होता है जो एक रेस्टोरेंट में प्रोसेस होता है। और यही सब दिखाने के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ नोएडा के एक प्योर वेज रेस्टोरेंट में। जी हाँ दोस्तों, नोएडा के एक प्योर वेज रेस्टोरेंट में जिसका नाम है भुक्खड़ ब्रदर्स, जहां पर आपको नॉर्थ इंडियन की पूरी रेंज मिलेगी, जहां पर आपको कॉन्टिनेंटल की काफी सारी रेंज मिलेगी, जहां पर आपको चाइनीज स्टार्टर्स मिलेंगे और भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स मिलेंगे। जब मैं आपको क्लाउड किचन के अंदर लेकर जाऊंगा तो मेन्यू में बताऊंगा कि आखिरकार क्या खास है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस क्लाउड किचन की एंट्री भी जो है किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। अगर आप नोएडा सेक्टर 41 या फिर नोएडा के किसी भी सेक्टर से हैं तो आप पर्सनली यहां पर आकर विजिट कर सकते हैं, या फिर जोमेटो या स्विगी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर भी दे दूं ताकि आप कॉल करके भी एक बार आप देख सके कि यहां का फूड क्वालिटी कैसी है। मैंने खुद बहुत बार इनका फूड ऑर्डर किया है अपने ऑफिस में। जब भी कोई आता है, जब भी कोई छोटी मोटी पार्टी होती है, कोई गैदरिंग होती है, तो ये हर तरीके के फूड यहां पर, अगर आपको दो लोगों के लिए मंगाना है, 20 लोगों के लिए मंगाना है, या फिर कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है ऑफिस में, तो हर तरीके से ये आपको ऑर्डर करते हैं। आइए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको इनके क्लाउड किचन में और दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको इनकी एंट्री दिखाता हूं। एंट्री में जब आओगे तो बड़ा अच्छा फील आपको यहां पर आने वाला है, जैसे कि आप किसी बहुत बढ़िया फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आ गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी बहुत ही बेहतरीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आ गए हैं। दोनों तरफ आपको अलग अलग सी कोटेशंस नजर आएंगी, ऊपर की लाइट्स आपको बड़ी अट्रैक्ट करेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ गार्डनिंग भी मिल जाएगी। तो ये आपको एक बार फिर से नाम दिखा दूं मैं, भुक्खड़ ब्रदर्स। तो आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ भुक्खड़ ब्रदर्स नोएडा सेक्टर 41 से। आइए चलते हैं इनके किचन और देखते हैं क्या है खास। सामने लाइव है क्लाउड किचन। अब आप इसे क्लाउड किचन कहिए, घोस्ट किचन कहिए, या फिर आप कुछ भी कहिए, प्रॉपर एक रेस्टोरेंट है। तो अगर आपको क्लाउड किचन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। पहली बार फ्रेंचाइजी बताओ पर लाइव आ रहे हैं हम एक रेस्टोरेंट को लेकर, जहां पर कि हम उनकी किचन में आए हैं। और किचन को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, अगर आप नॉर्थ इंडियन वेज या नॉन वेज कोई भी क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके ऑनर से और जानेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या मेन्यू मिलने वाले हैं, क्या वैरायटीज हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं और क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। मतलब आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और जानदार वीडियो है आज का, जहां पर हम आपको फूड भी टेस्ट कराएंगे, बताएंगे क्या क्वालिटी आखिरकार भुक्खड़ ब्रदर्स में आपको मिलती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप जब भी क्लाउड किचन शुरू करेंगे, हम लोग एक कोने से शुरू करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, सारे ब्रांडेड होते हैं। आपको ओटीजी चाहिए, आपको ओवन चाहिएगा, आपको टेबल्स चाहिएंगे जो बहुत मैंडेटरी हैं। अगर आप तंदूर प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं तो एक तंदूर आपको प्रॉपर चाहिएगा। इलेक्ट्रिक तंदूर आजकल ज़्यादा चलते हैं तो इलेक्ट्रिक तंदूर आपको चाहिए। इसके अलावा बर्नर्स हो गए। अब आप कितना बड़ा क्लाउड किचन शुरू कर रहे हैं, कितने शेफ के साथ शुरू कर रहे हैं, कितनी वेरायटी आपके पास है, उसके हिसाब से आपको बर्नर चाहिए। यहाँ पर आपको 4 बर्नर का मिल रहा है, मतलब इनके पास वेरायटी बहुत सारी है। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन टेबल आपके लिए चाहिएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिंक चाहिए जहां पर आप क्लीनिंग करेंगे, वो सब चीजें करेंगे, और बहुत सारे यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स, सामान बनाने के लिए ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी अगर आप क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं। आप भुक्खड़ ब्रदर्स में आकर एक बार देख सकते हैं, आप इनका खाना ऑर्डर करके चेक कर सकते हैं, और मैं आपको पैकेजिंग भी दिखाने वाला हूं। जब मैं बातचीत करूंगा मैं आपको पैकेजिंग भी दिखाऊंगा, क्योंकि सीखने के लिए यहां पर बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ यहां से सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या सामान चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आज के दिन बहुत सारी चीज़ें फ्रोजन आती हैं तो आपको डीप फ्रीजर चाहिए चाहिए होगा। डीप फ्रीजर के अलावा आपको एक नॉर्मल फ्रिज भी चाहिए होगा, क्योंकि हर चीज़ आप डीप फ्रीज नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको एक नॉर्मल फ्रीजर की रिक्वायरमेंट भी है। और साथ ही साथ ये तो आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है 300 से 350 स्क्वायर फीट के अंदर आप आसानी से इसको शुरू कर सकते हो। और साथ ही साथ देखो, जब आप कोई किचन शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी
आप खाना दे रहे हैं तो हाइजीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड शेफ को रखें और साथ ही साथ इसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से करें। तो आइए जानते हैं इनके ऑनर से और मिलते हैं कि इनकी पैकेजिंग क्या है, किस तरीके से ये डील करते हैं, क्या क्या मेन्यू यहाँ मिलने वाला है। हम लोग सीधा बातचीत करते हैं बुखर ब्रदर के ऑनर से और जानते हैं कि बुखर ब्रदर में आपको क्या स्पेशल मिल रहा है। तो दोस्तों अब हमारे साथ है पारस जिंदल जी बुक्कर ब्रदर से, जो आपको बताएंगे कि अगर आपको क्लाउड किचन शुरू करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा पारस जी आपसे, ये बुक्कर ब्रदर आपने कब शुरू किया? सर ये अभी हमने लेटेस्ट में ही स्टार्ट किया है, 6 months हुए हैं हमारे को, 6 महीने हुए और 6 महीने में आपने प्रॉफिटेबल कर लिया है या अभी लॉस में ही चल रहा है? हाँ अभी तो प्रॉफिटेबल है ये, पर स्टार्टिंग के 2-3 महीने हम लोगों को काफी सर्वाइव करना पड़ा था। उसके लिए हमारे को ऑफलाइन प्रमोशंस वगैरह करनी पड़ी थी, जोमेटो स्विगी से कंटेक्ट करना पड़ा हम लोगों को कि उसके साथ टैप करने के बाद हम लोग इस टाइम प्रॉफिट में हैं, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आपका जो ये पूरा रेस्टोरेंट है प्योर वेज रेस्टोरेंट है? ये प्योर वेज है। तो यहाँ पर मेन्यू क्या क्या आपके पास, कुछ मेन्यू के बारे में बताएंगे? जैसे कि मैं यहाँ पर मेन्यू देख रहा हूँ, आप देखिए मेन्यू भी इनका बड़ा जानदार और शानदार है। तो मेन्यू बहुत बड़ा मेन्यू है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मेन्यू में आप क्या क्या दे रहे हैं? सर मेन्यू में हमारे पास सारा नॉर्थ इंडियन मिलेगा आपको, सारा चाइनीज मिलेगा, कॉन्टिनेंटल मिलेगा आपको, तंदूरी आइटम, स्नैक्स वगैरह सब मिलेगा, शेक्स वगैरह, स्पेशल शेक्स है हमारे, प्योर शेक्स बने हुए हमारे खुद के, वो सब अवेलेबल। पिछली बार जब आपके आया था मैंने कटहल टेस्ट की थी, मतलब वो बिल्कुल अमेजिंग, एक अलग डिश थी, ऐसा लगता है नॉनवेज डिश है। लेकिन सर कटहल क्या है, आपको नोएडा में कहीं आसपास आपको नहीं मिलेगा, ये हमारा स्पेशल है तंदूरी कटहल, हमारा स्पेशल है। एक बार जो भी ऑर्डर करता है नेक्स्ट टाइम ऑर्डर वो जरूर करता है। आपकी जो बहुत सारी वैरायटी में देख रहा हूँ, वैरायटी बहुत सारी, इसमें से ऐसी कुछ 4-5 जिसका नाम बताइए जो बार बार ऑर्डर करते हैं लोग, जो लोग जैसे हमारे दही के शोले हैं, वो एक बार कोई भी ऑर्डर करता है तो नेक्स्ट टाइम उसका ऑर्डर आना ही आना है। कटहल जो मैंने खुद ने टेस्ट किया, और जो आपकी कटहल है, हमारे शेक्स भी दोबारा ऑर्डर आ रहे हैं शेक्स वगैरह के, और हमारा नॉर्थ इंडियन में आप कोई भी चीज हमारी लेंगे तो सारी अच्छी मिलेगी आपको, और दोबारा आपका मन करेगा कि आप बुक ऑफ ब्रदर से ऑर्डर करें और मंगाएं। अगर आपका कोई ऑफिस है, कॉर्पोरेट से है, कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो थाली एक बहुत ही कॉन्वीनियंट आइटम होती है कि आपने थाली सर्व की, आपको सर्विंग की टेंशन खत्म हो जाती है, और यहाँ पर आपको थाली बहुत सारी अलग अलग वैरायटी में मिलेंगी। हम पैकिंग देखें, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास थाली में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट आइटम है? हमारे पास थाली में आपकी चाइनीज प्लेटर थाली है, हमारी तंदूरी थाली है, तड़का थाली है, और बुखर ब्रदर स्पेशल थाली है, शाही थाली है, मतलब वैरायटी ऑफ थाली बहुत वैरायटीज है। जिसको तंदूरी खाना है तो तंदूरी मिल जाएगा, जिसको चाइनीज खाना है वो चाइनीज खा सकता है, जिसने नॉर्थ इंडियन खाना है वो दाल रोटी खानी तो वो भी मिल जाएगी। तो पहले हम लोग पैकिंग देख लेते हैं, पैकिंग देखने के बाद फिर आगे बात करेंगे। ये देखिए ये पैकेजिंग जब आपके पास आएगी ना इस तरीके से, तो पैकेजिंग ही आपको बड़ी जबरदस्त लगने वाली है। पहला तो आपका टेस्ट यहीं पर बन जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा टेस्ट बनेगा इसके अंदर जो आपको मिलने वाला है। सर सबसे पहले तो ये हमारी पैकेजिंग का तरीका है, ये थाली है, थाली की पैकेजिंग है हमारी। एक इनमें ओवरलैप, एक ऊपर से कवर भी मिलने वाला है जहाँ पूरी ब्रांडिंग मिलेगी आपको, एक फूड ग्रेड डिब्बे में आपको सारी की सारी इनकी जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे। ये हमारा चपाती पैकिंग, और रोटी थाली के अंदर नहीं आएंगी। बहुत सारी जगह आप देखोगे क्या होता है कि रोटी चावल के ऊपर रख दी या फिर सब्जी में रख दी तो सब्जी लग जाती है, कई बार चावल का रोटी में पानी आ जाता है, तो अलग से एक प्रॉपर फॉयल पेपर के अंदर आपको रोटी मिलती है, जिससे कि रोटी की भी जो वार्मथ है, जो क्वालिटी है, वो टेस्ट बरकरार रहे। ये दायते के लिए अलग है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी थाली में लिक्विड ज्यादा होता है, तो इसके लिए हमने अलग से रायता भी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ में हम कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपका फ्री किसको नहीं पसंद है। यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि जो आपको फ्रीबीज मिलते हैं ना, ये बड़े जानदार और शानदार हैं। देखिए बचपन की याद आ जाएगी आपको, जब आप भुक्कड़ ब्रदर से कोई भी ऑर्डर करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ही आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपने 100 रुपये का ऑर्डर किया है या 500 किया, 1000 का किया है, जितने का भी ऑर्डर करेंगे आपको आपके बचपन की याद दिलाएगा, और साथ में ये इमली टॉफी और ये हार्ट शेप टॉफी, और साथ में कुछ ना कुछ अलग सी चीज़ आएंगी इस कार्ड के साथ आपको मिलने वाला है हर एक ऑर्डर के साथ। और इसके अलावा नैपकिन, टूथपिक और स्पून, फॉर्क जैसी चीज आप मंगाओगे उसके हिसाब से, ये तो नॉर्मल सब आपको देते होंगे थाली के अंदर। प्याज और चटनी तो आएंगी, हम स्पेशल ये चिली
अचार भी हो गया, साथ चिली पिकल भी देते हैं साथ साथ में, जो लोग तीखे के शौकीन हैं, होममेड चिल्ली और जिंजर का पिकल या फिर चिल्ली पिकल, जैसा सीजन रहता है उसके हिसाब से आपको अलग अलग पिकल्स में मिलेंगे होममेड पिकल। तो ये एक प्रॉपर थाली है, सोचिए कि आपको इतना कुछ 120 रुपए में, 180 रुपए में या 250 रुपए में मिल रहा है, मतलब एक अफोर्डेबल चीज भी है। सिर्फ ये नहीं कि आपको अगर इतना कुछ मिल रहा है तो इसके लिए आपको कहीं 500 रुपए खर्च करने हैं या 1000 रुपए खर्च करने हैं, 500 1000 रुपए नहीं खर्च करने हैं, इतना ही नहीं, इसके अलावा आप जैसे भी थाली करेंगे, स्पेशल थाली लेंगे तो आपको स्पेशल गुलाब जामुन भी मिलने वाले हैं। तो ये सब चीज आपको मिलने वाली है अंडर योर पॉकेट, आपको बहुत ही कम प्राइसिंग में या पूरी की पूरी वैरायटी बुक्कर बदर में मिलने वाली है। इसके अलावा जैसे ये तो थाली की बात होगी, बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं तो केजीज में आइटम मंगाते हैं, बकेट में आइटम मंगाते हैं, तो बकेट वैरायटी भी आप कुछ दिखाना चाहेंगे। ये अशीष जी हमारी पैकिंग बैग सेम रहेगा, अच्छा बैग सेम रहेगा, बैग की क्वालिटी और ब्रांडिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बाद। और इसके अंदर जो आपको पैकेजिंग मिलेगी वो आपको इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी। ओके, ये आपको कंटेनर पैक मिलेंगे, ये हाफ केजी वन केजी में होता है, कैसे होता है? ये 750 ml है, 750 ml है, ये एक दाल हो गई बेसिकली, एक सब्जी हो गई। हाँ जी ठीक है, ये आपकी एक पैकेजिंग हो गई, ये हाफ है हमारा, ये हाफ 500 ml, ये हाफ पैकेजिंग हो गई, ये फुल पैकेजिंग हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही चपाती का प्रोसेस है हमारा, चपाती आपको जितनी मंगानी है उस हिसाब से मंगा सकते हैं। ये हमारे राइस के लिए कंटेनर है, राइस कंटेनर भी देखिए आपको अलग से प्रॉपर एक कंटेनर मिल रहा है, ये कंटेनर आप यूज भी कर सकते हैं घर के अंदर, ये भी एक बड़ी खासियत है। और माइक्रोवेव कंटेनर है हमारे साथ, सारे माइक्रोवेव कंटेनर, ये बड़ी खासियत बात बताई इन्होंने, रायते के लिए आपको अलग से हो गया। ये हमारा फ्रीबीज, वो सेम रहते हैं सब में? हाँ जी बिल्कुल, फ्रीबीज जैसे आपको मैंने बताया ये आपको फ्रीबीज रहने वाले हैं। ये हमारी डिस्पोजेबल स्पून्स वगैरह, आपको कटलरी साथ में आएंगे, डिस्पोजेबल कटलरीज मिलेंगे आपको, ओनियन और साथ में ऑनियन चिल्ली सब चीजें आपको मिलने वाली हैं, एवरीथिंग हर चीज आपको एक प्रॉपर पैकेजिंग में मिलेगी। जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, कोई मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है पैकेजिंग। तो आप अगर अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी पैकेजिंग पे काम करिए, जब तक आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपके पास रिपीट कस्टमर नहीं आएंगे, लोग बार बार नहीं आएंगे, ये रिकॉल वैल्यू बढ़ाता है आपके ब्रांड की। तो रिकॉल वैल्यू बढ़ाने का सबसे इजी तरीका है कि आप लोगों को ऐसी वैरायटी दीजिए जो छूकर मजा आए, जो फील कर सके लोग। यहाँ पर देखिए जब आप आएंगे या ऑर्डर करेंगे तो आपको फील होगा यहाँ से कि प्रोडक्ट कैसा है, तो ये चीज़ें। अब इसके अलावा और क्या स्पेशल वैरायटी जिसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारी आशीष जी, स्पेशल है देसी घी की, प्योर देसी घी की दाल, दाल इसमें हमारे छोले राजमा अमृतसरी छोले वगैरह, मतलब प्योर देसी घी एडिशन अलग हो गया। हाँ ये स्पेशल इसी आपको बर्नी में मिलेगी। तो ये कंटेनर बिल्कुल डिफरेंट कंटेनर है, जो लोग अलग से खाली कंटेनर भी परचेज करते हैं कई बार आपको मार्केट से मिल जाएंगे, ये हमारा बिल्कुल अलग है कॉन्सेप्ट, और ये अभी तक आपको कहीं मिलेगा भी नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट। तो ये एक अलग से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और साथ साथ में ये हमारे शेक के हैं। ओके, शेक्स हमारे उसमें कंटेनर्स में जाते हैं, तो ये शेक भी आपको अलग अलग वैरायटीज के शेक्स भी सारे वैरायटीज के मिलेंगे आपको अधिकतर। ये मेन्यू इनके पास एक बहुत वाइड मेन्यू है, और भले ही आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से शुरू हो जाता है या फिर लंच से, सर हमारा 11 बजे किचन ओपन होती है। ओके, और नाइट में 12 o'clock तक किचन, 12 बजे तक किचन चलती है। जो नेट लाइट लवर्स होते हैं, जिनका ऑफिस लेट से क्लोज होता है, मूवी देख के आए हैं, रात को लेट नाइट ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। हमारा प्लस पॉइंट ये भी है कि जोमेटो स्विगी पे तो हम काम करते ही हैं, हम ऑफलाइन अपनी खुद की डिलीवरी 5 kilometers तक की डिलीवरी बैग भी आपका, हाँ डिलीवरी बैग भी हमारे जो आपके पास इनका फूड भी आएगा, इन्होंने स्पेशली ये हॉट पैक बैग भी बनवाए हुए हैं, जो इनकी ऑफलाइन डिलीवरीज होती हैं, जो डायरेक्टली आप इनको ऑर्डर करेंगे। जोमेटो स्विगी के पास तो अपना पूरा का पूरा तंत्र होता ही है, साथ ही साथ इन्होंने डिलीवरी के लिए भी ये बैग्स बनवाए हुए हैं, जिनसे कि आपके पास जो खाना पहुंचे वो एकदम गर्म से उतना गर्म पहुंचे। फिर भी जितनी दूर आप जाएंगे उसके हिसाब से 19-21 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा जाए कस्टमर पे। तो मार्केटिंग में आपको क्या क्या दिक्कतें आई? सर मार्केटिंग में तो हमारे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई हैं तो हमने इसके लिए काफी वर्क किया है, हमने काफी कैनोपीज वगैरह लगवाई है, होर्डिंग्स लगाई है सेक्टर्स में, ब्रोशर्स बनवाए हैं हमने, न्यूज़पेपर में ब्रोशर्स हमने पैम्पलेट्स वगैरह करवाई हैं अभी फिलहाल, और अभी आगे का प्रोसेस चल भी रहा है हमारा और भी चीजों के लिए।
तो बेसिकली अगर आपको मार्केटिंग करनी हो अपने क्लाउड किचन की, तो मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग तंत्र होते हैं। किसी अच्छी मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लीजिए, आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप करना तो बहुत ईजी होता है, इसको सर्वाइव करना, इसको आगे लेकर जाना कई बार लोगों के लिए तकलीफदेह हो जाता है। अगर आपको एक सही रास्ता ना मिले, सही मेंटर ना मिले, तो आपके लिए दुखदाई हो सकता है या फिर आपको सोचना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट आप अगर एक नॉर्मल किचन खोल रहे हैं या फिर क्लाउड किचन खोल रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में जो फर्क आता है इंटीरियर का फर्क आता है। मुझे यहां पर तो वो फर्क भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पर आपको इंटीरियर भी शानदार देखने को मिल रहा होगा। एंट्री मैंने आपको दिखाई, कितनी शानदार एंट्री है। आपको एक एक चीज हाई क्वालिटी की, हाई क्लास, पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी का ऑप्शन तक हर चीज आपको जानदार और शानदार मिलने वाला है। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा के आसपास की जगह से हैं तो भुक्कर ब्रदर्स एक बार गूगल पे सर्च करिए, और भुक्कर ब्रदर्स गूगल पे सर्च करने के बाद जोमेटो से ऑर्डर करिए, स्विगी से ऑर्डर करिए, और एक बार फूड टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इनका खाना आपको कैसा लगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली जोमेटो या स्विगी पर भी इनको रिव्यू दे सकते हैं। आपके रिव्यूज आज तक कैसे रहे, लोगों का फीडबैक कैसा रहा है? सर, रिव्यूज हमारे अभी तक 5 स्टार ही रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे, अगर आप जोमेटो का आउटलेट हमारा खोलते हैं तो उसमें आपको 5 स्टार ही मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत अच्छे मतलब कमेंट्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मार्केट में जैसे आप बता रहे हो 5 स्टार फीडबैक आ रहे हैं, तो ये फीडबैक के पीछे क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हो? सर, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या है, हमारे जैसे तंदूरी आइटम्स हैं, तो उसके लिए शेफ हमारा अलग है, नॉर्थ इंडियन आइटम है, चाइनीज आइटम है, उनके लिए शेफ हमने अलग से रखे हुए हैं, और डिपेंड करता है आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे। हाँ जी, अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी आपकी गुड है तो आपका फूड एक्सीलेंट होगा, अगर उसमें कोई कमी है तो आपका फूड एक्सीलेंट हो ही नहीं सकता है। तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए वो, और सबसे बड़ी चीज है हम लोग रॉ मटेरियल लाने के बाद जो भी चीजें बनाते हैं हम खुद टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, अगर उसमें कुछ भी कमी निकलती है हमारे को तो हम उसको दोबारा से सर्वे करते हैं कि इसको हम कैसे अच्छा किया जा सके हमारे से, और अच्छा होने के बाद ही हम आगे प्लेस करते हैं, और जिससे कि लोगों के ऑर्डर हमारे पास आते हैं वो इसी चक्कर में आते हैं कि हम क्वालिटी अपने साथ चेक करते हैं आगे तभी देते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज आपको सीखने को और जानने को मिली कि अनलेस एंड अनटिल आपने टेस्ट नहीं किया उसको मार्केट में ट्राई मत करिए। ट्राइड एंड टेस्टेड इज भुक्कर ब्रदर्स। तो यहाँ पर आपको जितनी भी वैरायटी मिलेगी प्रॉपर ट्राइड एंड टेस्टेड मिलेगी, प्रॉपर रिसर्च होता है हर एक मेन्यू के ऊपर, और जब वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे 100% उतरती है उसके बाद ही वो मार्केट में जाती है, उसके बिना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे जोमेटो पर आप जब जाएंगे भुक्कर ब्रदर्स सर्च करेंगे नोएडा सेक्टर 41, तो यहाँ पर आपको अलग अलग लोगों के जो रिव्यूज मिलेंगे वो पढ़कर ही मजा आने वाला है। मैं यहाँ पर बोलूंगा नहीं, आप जाइए और जाकर चेक करिए, और मैं सिर्फ आपसे इतनी अपील करूंगा कि एक बार ऑर्डर जरूर करें। आपके घर में अगर कोई फंक्शन है, ऑफिस में कोई फंक्शन है, अगर आप कोई छोटी मोटी किटी पार्टी कर रहे हैं या किसी भी तरह की पार्टी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर तरीके से आपको भुक्कर ब्रदर्स की तरफ से अलग से एक सर्विंग आती है। तो आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? सर, जैसे आजकल नॉर्मल ऑफिसेज वगैरह में छोटी मोटी पार्टी होती रहती है, किटीज पार्टी होती रहती है, इसके लिए हम लोगों ने हॉटकेस का भी प्रोविजन है, हॉटकेस का, कि अगर आपको 20 25 30 50 बंदों की गैदरिंग की कोई पार्टी करनी है तो हम हॉटकेस प्रोवाइड करवाते हैं साथ लंच भी और डिनर भी। हाँ जी बिल्कुल, आपको लंच करना हो, ब्रंच करना हो या डिनर करना हो, हर चीज के लिए आप कॉन्टैक्ट करें भुक्कर ब्रदर्स। आज के इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, सीखने के लिए बातें सुन लीजिए। अगर आप क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, सबसे पहले आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन के बाद आपको इन्वेस्टमेंट जो रहती है, इन्वेस्टमेंट मोर और लेस उतनी ही रहती है जितनी आपके रेस्टोरेंट में आती है। तीसरी चीज क्या है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप जब ओपन रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वहां पर विजिबिलिटी तो होती है, लेकिन क्लाउड किचन में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन विजिबिलिटी होती है। तो यहां पर आपके लिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भुक्कर ब्रदर नंबर वन है। दूसरी आपकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने खुद ने टेस्ट की हुई है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्वालिटी में इनको 5/5 दे सकते हैं, मतलब 5 स्टार रेटिंग है इनकी। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको ऐसा क्वालिटी फूड नहीं मिलेगा, अफोर्डेबल नहीं मिलेगा। आप क्वालिटी कई जगह आपको मिल जाएगी, मैच मिल जाएगी, हो सकता है 19-20 मिल जाए, लेकिन जिस प्राइसिंग रेंज में आपको ये क्वालिटी मिल रही है, इस प्राइस रेंज में नोएडा के आसपास तो नहीं मिलने वाली है। आप खुद सर्च करिए और मुझे बताइए। तो आज मैंने आपको बताया कि क्लाउड किचन कैसे रन होता है, क्लाउड किचन रन करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होती है, हर चीज मैंने आपको दिखाई। एक प्रॉपर अलग से वेयर हाउस भी चाहिएगा जहां पर आप पैकेजिंग आइटम और सारे आइटम्स रख सको, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं बैक स्क्रीन पर। मतलब हर चीज आपको मैनेज प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। आप अपनी पूरी प्लानिंग करिए,
फाइनेंसिंग करिए, आगे की मार्केटिंग का प्लान करिए और उसके बाद ही किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने के सोचिए। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो था एक क्लाउड किचन स्पेशल और हमने आपकी विजिट करवाई भुक्कड़ ब्रदर की फ्लेवर फॉर फूडीज। यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट, इनका नंबर, इनकी सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे साथ है भुक्कड़ ब्रदर से इनके ऑनर पारा सिंदल जी, जिन्होंने आपको बहुत सारी जानकारी दी इनके मेन्यू के बारे में, क्वालिटी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में। ऐसी ही वीडियोस में लगातार लेकर आता रहूंगा। फ्रेंचाइजी बताओ पर आपके लिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अगर आप नोएडा या इसके आसपास की जगह से हैं तो अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगाएं। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।